फिश को मैंने धो लिया। अभी मैं इसको हल्दी और नमक से मैरिनेट करूँगी। कढ़ाई गर्म हो गई तो अभी मैं सरसों का तेल मैं इसमें दे देती हूँ, मुझे फिश फ्राई करनी है। तेल गर्म हो चुकी है तो मैं अभी इस सिम को मैं कम कर देती हूँ क्योंकि मुझे फिश अभी देना है। फिश को ऐसे करके करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड में फ्राई हो जाए। फ्राई हो गई है, देखिए दोनों साइड में गोल्डन हो गई है। तो अभी मैं इसको एक एक करके उठा लेती हूँ। मैं आज फिश आलू से बनाऊंगी तो उसी तेल में मैं जो मैंने आलू कट के रखे थे लंबा लंबा करके उसको मैं दे देती हूँ अभी। तो इसी तेल में मुझे हल्दी या नमक देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाला है। तो मैं अभी आलू को फ्राई कर लेती हूँ। आलू भी फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ गई है, तो आलू को भी मैं उठा लेती हूँ। बड़ा प्याज लिया मैंने, उसको काट दिया। दो हरी मिर्ची, मेरा अभी मिर्ची ज़्यादा नहीं है, सूख गया है। तो आप लोग को जितना चाहिए हरी मिर्च आप लोग डाल सकते हो, और अदरक, इसको मैं अभी पेस्ट कर लूँगी। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो मैंने फिश जिसमें जिस ऑयल में मैंने फ्राई किया उसी को मैं अभी इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें थोड़ा ऑयल चाहिए तो उस हिसाब से ऑयल भी देना पड़ेगा। ऑयल गर्म हो गई है तो अभी मैं साबुत जीरा इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। जो मसाला पेस्ट किया उसी को अभी मैं तेल में डाल, अभी इसी पेस्ट को मुझे अच्छे से पकाना पड़ेगा और जब पक जाएगी तब मुझे जो जितना मुझे मसाला ऐड करना है मैं दे दूँगी। थोड़ा नमक ऐड कर दिया मैंने। मैंने टमाटर काट करके रखी थी ऐसे लंबा लंबा करके, तो सारे टमाटर को भी मैंने दे दिया। मुझे थोड़ा मसाला ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा हल्दी पाउडर, पहले मैंने हाफ चम्मच दे दिया तो मैं दिखा नहीं पाई, और अभी थोड़ा मैं हल्का सा जीरा पाउडर और इसमें हल्का सा कश्मीरी जो कलर आती है उसी का पाउडर है कश्मीरी रेड मिर्ची। तो मैंने इसमें धनिया पाउडर नहीं डाली, तो मैं सिर्फ जीरा पाउडर से मैं बनाऊंगी। मसाला को अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा ताकि ये ठीक से पक जाए, मसाला बन जाए। तो इसके लिए मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया, ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट हो गई है, वाव देखिए तेल भी थोड़ा ऊपर से आ गई है। और मैंने ना इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया ताकि मसाला लग ना जाए, तो इस कारण से मैंने पानी थोड़ा ऐड कर दिया। आप लोग भी कर देना, जब भी मसाला ऐड करोगे आप लोग हल्दी नमक जीरा पाउडर रेड मिर्ची पाउडर उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। तो अभी मैंने जो फ्राई किया था वही आलू उसमें सारे मैं भी इसमें डाल दे देती हूँ। इसी मसाला के ऊपर मैंने आलू भी डाल दिया फ्राई जो किया था मैंने, तो मुझे आलू ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा लिया। तो आप लोग के हिसाब से आप लोग जितना आलू लेना चाहते हो उस हिसाब से ले सकते हो। मैंने ज़्यादा ले लिया, मैंने आलू लिया 3 आलू। अभी फिर से आलू को भी इस मसाले के साथ पकाना पड़ेगा, और जितना मेरा टमाटर मैंने डाला था सारे पक गई अच्छी तरह से। तो अभी इस आलू को भी मैंने फिर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देती हूँ। 5 मिनट हो गई है, अभी मैं ढक्कन हटा देती हूँ। देखिए सारे मसाला आलू के साथ अच्छी तरह से पक गई है, इसको थोड़ा अभी मैं ऐसे कर देती हूँ। जो मैंने अभी गर्म पानी किया था उसी को मैं भी डाल दे रही हूँ। मैंने पानी डाल दिया है, मुझे इसमें थोड़ा पानी रखना है। तो आलू को नरम होने के लिए तो मैं ढक्कन लगा दिया, तो अभी इसको भी थोड़ा मैं इस हाई पैन में करके रखती हूँ ताकि जल्दी मेरा आलू पक जाए। अभी मैं ढक्कन हटा देती हूँ,
आलू भी पक गई है, तो अभी मैं जितने मैंने फिश फ्राई किया था अभी इसमें मैं दे देती हूँ। फिश को पूरा अच्छे से मिला देती हूँ पानी के साथ बस। तो अभी मैं इसको फिर से दोबारा ढक्कन लगा रही हूँ अभी बस। अभी कितना में 15 मिनट के मिल रख देती हूँ ताकि ये बन जाए। ढक्कन का हटा दिया, अभी देखते हैं। हाँ, फिश का सब्जी बन भी गई है। अभी मैंने हरा धनिया काट करके रखा था तो मैं अभी इसको भी दे रही हूँ। एंड में हरा धनिया देने से अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा मैं हिला देती हूँ ग्रेवी के साथ, हरा धनिया मिक्स्ड हो जाए। और फिश भी बन गई है। अगेन ढक्कन लगा दिया और मैं अपना जो इसको भी मैं ऑफ कर देती हूँ। तो आप लोग, फिश करी बन गई है। एकदम सिंपल सा फिश करी मैंने बनाया आलू से। ज़्यादा मसाला ज़रूरत नहीं होती है। जितना भी डाला आप लोग के घर में भी होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देख सकते हो। और मुझे कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं फ़िश का कुछ बना के दिखाओ, तो इसलिए मैंने आज बनाया फ़िश करी आलू का झोल। जैसे बंगाली में कहे तो माछेर झोल, माछेर झोल आलू दिए कोड़े छी। तो प्लीज़ जिन लोग को मेरा ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब। और लाइक करने में तो एकदम फ्री लगता है, उसमें कुछ नहीं होता है। प्लीज़ जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हो आप लोग लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं आगे भी जितना भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग देख सकते हो। प्लीज़ सबाई हमार वीडियो चैनल के सब्सक्राइब कर और संगे लाइक करें, तो हमें हमारे सब वीडियो अपनारा देखते पारबें। ठीक है, बाय।